हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ में मेरा फेशियल मसाज का जो रूटीन है वो शेयर करना चाह रही हूँ। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि लोग फेशियल्स करवा रहे हैं, अगर हम लोग डे टू डे में खुद भी अगर अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे ना तो इतनी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि फेशियल जो है वो किस एज से शुरू करना चाहिए। मसाज वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी फेस पे भी मसल्स हैं, यहाँ पे भी, जिनकी कि अगर टोनिंग होती रहे, टाइम टू टाइम मसाज होती रहे तो अच्छी बात है। लेकिन मसाज के नाम पे लोग ऑयल, क्रीम ये सब लगाते हैं, जिसकी वजह से यंग एज में, यंग एज से मतलब है टीन एज है या 20-25 तक है, उस एज में अगर ऑयल या क्रीम को लेकर के हम मसाज करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पिंपल्स क्रिएट करती है, क्योंकि बॉडी में नेचुरल ऑयल बहुत होता है। लेकिन 30 के बाद में जब नेचुरल ऑयल भी कम होने लगता है और मसल्स भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ने लगती हैं, उस एज में आपको मसाज की ज़रूरत होती है, और वो भी रेगुलर मसाज की। मैं बात कर रही हूँ कि आप घर में रह कर के भी अपनी रोजाना रेगुलर बेसिस पे फेस की मसाज कर सकते हैं। क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। मैं सुबह उठने के बाद में जैसे ही चाय वगैरह पी, उसके बाद में जब थोड़ा सा ईजी मूड में हूँ कि लेजीनेस है और आराम से बैठी हूँ, उस समय मैं ऑयल लगा लेती हूँ फेस पे नॉर्मली मसाज करने के लिए। मसाज के टाइम पे आपको स्किन चिकनी चाहिए अपनी, कि आप उसका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो बड़ा इजी हो जाए, तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, जो कि आपकी स्किन को अच्छा है, आपकी स्किन के ग्लो के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है, हाथ में लगाया और उसको सारे चेहरे पे आपने लगा दिया। सबसे पहले तो ठीक है, उसके बाद में को सबसे पहले तो मैं अंगूठे से ये यहाँ पे लोगों के डबल चिन हो जाती है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रख के और इस तरह से, आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको हल्के हाथ से थोड़ा सा अंगूठे की साइड से प्रेशर देते हुए करना है, और आप छः छः के सेट में कर लीजिए, छः ये छः वो, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। देखिए 6 बार इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे रख के ये एस क्रिएट करती हूँ, 6 बार इस तरह से कर लीजिए, तो आपकी ये यहाँ से जो मसल्स हैं ये सारी टाइट होती जाएंगी। काउंटिंग आप करते रहना, मैं नहीं करूँगी। इस तरह से आपने 6 टाइम्स इसको कर लिया। उसके बाद में फिर वापस मैं 6 बार ये करूँगी, जो कि इस मेरी जो कॉलर बोन है यहाँ तक, हो गई। उसके बाद में ये जो ये हमारी ये वाली जो स्किन है ये लटक आती है, जिसकी वजह से ये रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं। आपको ये अपनी फिंगर्स लेते हुए इसको ऊपर की तरफ करना है 6 टाइम्स, चाहे एक हाथ से कर लीजिए पहले, अब इस बार इस तरफ से कर लीजिए, हो गई 6 टाइम्स। उसके बाद में मैं यहाँ से ये जो फिंगर है मेरी, मोस्टली इस पे प्रेशर देती हूँ, जिसके इसका क्या है कि ये बड़ी हल्की और हार्ड फिंगर बोलते हैं इसे, इसीलिए इसको इसमें हम लोग नॉर्मली एंगेजमेंट की रिंग भी डालते हैं, कि बड़ा नाजुक होती है ये फिंगर। इससे हम इस तरह का प्रेशर देंगे आँखों पे से, ये वाली जो मसल है इसके लिए, ठीक है, 6 टाइम्स। उसके बाद में हम इन दो से थोड़ा सा बड़ा घेरा बनाते हुए पूरी आँख के साइड से 6 टाइम्स आप सर्कल कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ये इस ये जो आँख के चारों तरफ जो मसल्स हैं इनकी थोड़ी सी टोनिंग हो जाएगी। इस तरह से कीजिए, ठीक है। आप हल्के हाथ से इस मसल को भी पीछे की साइड इस तरफ आँखों के यहाँ तक लेके जाएं 6 टाइम्स। इस फिंगर से इस तरह से प्रेशर दीजिए हल्का हल्का,
फिर से एक बार, सिक्स टाइम्स ही कर लेना ये भी। इस फिंगर से हमारी ये जो आईलिड है इसके ऊपर एट का फिगर बनाना है, आठ का आंकड़ा, इस तरह से हल्के हाथ से। हो गया। इसके बाद में हमें मैं इसके फोरहेड के लिए करूंगी, मेरे इस तरह से करती हूं मैं, पूरे माथे पे आप सिक्स टाइम्स यहां से कीजिए, सिक्स टाइम्स यहां से कीजिए, सिक्स टाइम्स यहां से कीजिए, उसके बाद में ये सिक्स टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए फेस पे। हो गई। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पूरे फेस की लगभग, हमने इसकी कर ली, हमने ये कर लिया, हमने आंखों की कर ली, हमने आईलिड पे कर ली, यहाँ पे हमने प्रेशर दे दिया, अब यहाँ पे भी प्रेशर दे दीजिए। ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं इन पे भी आप देखना काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। माथे पे एक दो, ये वाला स्ट्रोक भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ये बेसिक सी एक्चुअली मसाज है जो आप सिर्फ 5 मिनट में सुबह सुबह कर सकते हैं। ऑयल से कीजिए आराम से, पूरे फेस पे ऑयल भी लग गया, चिकनाई भी हो गई और आपकी 5 मिनट के लिए फेस की एक्सरसाइज भी हो गई, पूरी टोनिंग हो गई और उसको छोड़ दीजिए आप। और उसके बाद में जब आप घंटे भर या 1.5 घंटे बाद में जब नहाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और इस तरह से जब आप रेगुलर इस चीज़ को अपने रूटीन में लाएंगे तो मैं ये मान के चलूँ कि आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखाई देगा। फेस मसाज के और भी बहुत से स्ट्रोक्स हैं जो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको बाद में फिर बता दूंगी अगले किसी वीडियो के अंदर। ये बेसिक सी 5 मिनट की मसाज मैंने आपको बताई थी। नॉर्मली होता ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार फेशियल मतलब बड़ा लंबा प्रोसीजर है और हम कौन करेगा, छोड़ो, ये सोच करके हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 5 मिनट अगर निकालें रोज़ाना, और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, हम सुबह उठने के बाद में फेस पे 5 मिनट निकाला, लगाया और अपने डे टू डे के काम करते रहिए, और जब आप नहाने जाते हो तो ये एक्स्ट्रा ऑयल अपने आप निकल जाएगा। चलिए, ऐसी ही कोई उपयोगी टिप्स के साथ मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे। बाय।